Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohib Ali. I am as an assistant professor working in the Division of Science and Technology. And this is my colleague, whose name is Mohammed Afzal. He is a lecturer in mathematics. Today, we will tell you that in this department, which programs are offered to students for mathematics, which details are as follows. Mohammed Afzal, lecturer in mathematics, University of Education, Division of Science and Technology, Lahore. हमारे यहाँ यहाँ पे तीन प्रोग्राम्स हैं, बीएस ऑनर, फोर ईयर प्रोग्राम, एमएससी मैथमेटिक्स और एमफिल मैथमेटिक्स। और इसमें बीएस मैथमेटिक्स के जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो हमारा एंट्री टेस्ट नहीं होता, बल्कि हम जनरल मेरिट बनाते हैं। मैट्रिक के जो नंबर होते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स उसके हम हाफ करते हैं, और एफएससी के टोटल मार्क्स जो टोटल दोनों का बनेगा वो हमारे पास मेरिट बन जाएगा बच्चों का। उसके बाद जो हमारा बीएससी का है और बीएस आना प्रोग्राम, ये मस्ट है कि उसने एफएससी में मैथमेटिक्स पढ़ा हो। एमएससी क्राइटेरिया ये है कि उसमें हमारे पास बीएससी में उसने 400 की मैथमेटिक्स पढ़ी हो, मैथमेटिक्स ए और मैथमेटिक्स बी। उसमें हमारा भी एंट्री टेस्ट नहीं है बल्कि मेरिट ही हम बनाते हैं। मैट्रिक के जो है ना वो हम डिवाइड करते हैं ऑब्टेन मार्क्स को 1/4 से, और एफएससी के भी 1/4 से करते हैं, और बीएससी के जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन हैं उन तीनों को ऐड करके हमारे पास मेरिट बनता है जो हम ऐड करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट को इनरोल करते हैं। एमफिल के लिए जो नेशनल लेवल पर क्राइटेरिया है वो सेम ही है कि लास्ट डिग्री में उसका फर्स्ट डिवीजन हो, या उसमें अगर सेमेस्टर सिस्टम से उसने पढ़ा हुआ है तो उसका CGPA 3 होना चाहिए, और जो गैट की कंडीशन है कि जनरल गैट उसका क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा हमने इस दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया कि उसके लिए हम एंट्री टेस्ट भी लेते हैं, जिससे टोटल आपके पास इंटरव्यू के नंबर होते हैं, एंट्री टेस्ट के नंबर होते हैं, और एमएससी की लास्ट डिग्री है उसके फर्स्ट डिवीजन हो या सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ा हुआ है तो उसका सीरीज CGPA होना चाहिए, जो हमारे पूरे पाकिस्तान में ये हर जगह पे एमफिल के लिए क्राइटेरिया है। अगस्त में रिजल्ट आता है बीएससी का एमफिल के लिए, तो और जो बीएससी बीएस में एडमिशन लेते हैं वो टाइमिंग सारे में सेम है कि अगस्त में हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है और सितंबर में हमारी वो लिस्टें लगती हैं, उसी में एडमिशन होते हैं हमारे। मेरा नाम डॉक्टर मोहिब अली है, मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर, डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। जो हमारा मैथमेटिक्स के प्रोग्राम्स हैं, जिस तरीके से अफजल साहब ने बताया कि हमारे बीएस प्रोग्राम है, एमएस प्रोग्राम है, एमफिल प्रोग्राम है, तो उनकी जो मेन कैरेक्टराइजेशन है वो इस तरीके से है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनको हम 16 ईयर्स के अंदर कंसिडर करते हैं, और आफ्टर 16 ईयर्स जो है उन्हें हम ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारा एमफिल वगैरह आ जाता है। जो इनके क्राइटेरियाज हैं वो उसी तरीके से हैं जिस तरह हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, फॉर इंस्टेंस मैट्रिक के अगर आपने इंटर के लिए अप्लाई करना है तो मैट्रिक के अंदर आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएससी के लिए करना है तो उसके लिए होना चाहिए। लेकिन इस वक्त तक जो आपके पास एक इनिशिएटिव दिया गया है एनटीएस के थ्रू, उसके अंदर सिर्फ वही हमारे पास एक इस वक्त पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका टेम्परमेंट चेक करने के लिए और एप्टीट्यूड चेक करने के लिए जो है वो क्राइटेरिया है कि किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को उन एनालिटिक रीजनिंग्स के अंदर से और मैथमेटिक्स जो रीजनिंग है उसके अंदर से चेक करते हैं। तो हम अपने एमफिल के अंदर, जो कि हमारा ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसके अंदर हम एनटीएस के मार्क्स को वेटेज देते हैं, तो उस हिसाब से जो है ना हमारा जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो एप्टीट्यूड को टेस्ट करके चलता है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही है बिल्कुल हम वैसे ही काम कर रहे हैं कि उनके जो प्रीवियस मार्क्स हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर उसकी बेस पर हम मेरिट बना के एडमिशन देते हैं। एज अ जनरल अगर आप इंटरनेशनली देखें मैथमेटिक्स को, तो मैथमेटिक्स के जो लोग हैं उनको प्योर साइंस के अंदर कंसिडर किया जाता है, और वो सिर्फ समझे जाते हैं कि मैथमेटिक्स फॉर मैथमेटिक्स। तो एक जनरल फिलॉसफी है कि अगर हम प्योर साइंसेज के अंदर काम कर रहे हैं तो सिर्फ उस सब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी सारी होती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप मैथमेटिक्स ही करें तो आप उसकी भी डिवीजन कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर और ग्रेजुएट लेवल के ऊपर। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल के अंदर हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स चले जाते हैं, जिस तरह एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल में, या वो क्लाइमेट स्टडी के अंदर चले जाते हैं कि क्लाइमेट फोरकास्टिंग वगैरह के अंदर। इसी तरीके से आपके कई स्टूडेंट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स में चले जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के अंदर, जिन्होंने बीएससी के साथ या फोर ईयर्स के साथ जो है मैथमेटिक्स किया होता है।
जो इसके बाद आगे जाते हैं फॉर इंस्टेंस जो ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाते हैं उनके लिए जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस होता है वो रिसर्च होता है। तो रिसर्च के अंदर वो उसके बाद ज़्यादातर एकेडमिक पोजीशंस देने की कोशिश करते हैं लाइक लेक्चरर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर या उसके अलावा अपनी जो रिसर्च है उसको लिंक ऑन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल है, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम के अंदर जाना चाहते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएट के ऊपर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपके यहाँ जीआरई अवेलेबल है, आप जीआरई का सब्जेक्ट दें जो कि इंटरनेशनली होता है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अवेलेबल है, आप जीआरई के अंदर अच्छे मार्क्स लेते हैं तो इस बेस के ऊपर आपका बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो सकता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी डिग्री है वो एच ई सी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और हमारी यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन उसकी सारी डिग्रीज में रिकॉग्नाइज है एच ई सी से। उसके लिए जो है गवर्नमेंट अगर जिस तरह वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर उनको प्रमोट करे तो उसके अंदर हम मैथमेटिक्स के क्यूरिकुलम ऐसा बना के दे सकते हैं जो कि वो फॉरन अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर लाइक ऑटोमोबाइल्स हैं या इस तरह की जितनी भी फील्ड्स हैं जो कि आप फॉरन अप्लाई कर सकते हैं लाइक मैट्रिक के बाद। और ये इंटरनेशनली चल रहा है कि इंटरनेशनली अगर स्टूडेंट्स को जो है वो कैटर किया जाता है आफ्टर देयर हाई स्कूल 10th या 12th grade के बाद कि वो स्टूडेंट्स जो है ये आगे अपनी एजुकेशन रख सकते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं, तो जो उसके अंदर उस अब थ्रेशहोल्ड तक नहीं आते उनको वो वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं जिसके अंदर शॉर्ट कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से टेक्निकल बोर्ड काम कर रहा है जो कि मैट्रिक या इंटर के बाद जो है स्टूडेंट्स को लेते हैं और DAE वगैरह करवाते हैं। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो पूरा प्रमोट करें तो उसके अंदर हम उनको कोर्स जो है वो डिज़ाइन करके दे सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। मास्टर लेवल के अंदर पार्ट वन और पार्ट टू के कलेक्टिवली अगर सब्जेक्ट देखे जाए तो अराउंड 10 to 12 है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, लेकिन जो पिलर्स हैं मैथमेटिक्स के जो कि कंपल्सरी और जो सब जगह पे किए जाते हैं उनमें अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, एनालिसिस है और टोपोलॉजी है। और अप्लाइड के अंदर जो है वो मैकेनिक्स है, फ्लू डायनमिक्स है, ये जो मेजर कोर्सेज हैं जो कि हर यूनिवर्सिटीज़ की कंपलसरी है कि उसके अंदर शामिल होने चाहिए। तो आज जो हमने आज आपको बताया सारे अपने डिपार्टमेंट के बारे में और जितने कोर्सेज थे उनके बारे में और एक्सप्लेन किया जॉब मार्केट के हवाले से, उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो यू आर वेरी वेलकम, आप हमारे डिपार्टमेंट को विज़िट करें, हमसे आके डिस्कस करें अपने कंसर्न्स। थैंक यू वेरी मच।